नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी अहमदाबाद की प्रीवियस ईयर 2019 की कट ऑफ क्या थी उसके बारे में, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर कट ऑफ से आपको आइडिया लग पाता है कि लास्ट ईयर किस जोन की कट ऑफ कितनी गई थी कितनी नहीं गई थी। तो मैं डेढ़ गुना की भी कट ऑफ आपको बताऊंगा और एक गुना की भी कट ऑफ आपको बताने वाला हूं। दोनों कट ऑफ आपको यहां पर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको मैं एक छोटी सी अपडेट दे दूँ कि आप नॉन नर्सिंग पार्ट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर नॉन नर्सिंग की इंपॉर्टेंट PDFs जिसमें जनरल साइंस हो गई, जीके जनरल अवेयरनेस हो गई, मैथ रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक फॉर्मूले वहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं और क्यूज भी करवाते रहते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में अपन अहमदाबाद की प्रीवियस ईयर वैकेंसी भी देखेंगे और इस बार कितनी वैकेंसी रिपोर्ट होने की संभावना है। जो एक नोटिस वायरल हुआ है उस नोटिस के अनुसार कितनी वैकेंसी अहमदाबाद जोन में इस बार रहेगी, तो संपूर्ण जानकारी आपको मैं देने वाला हूं। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। मैंने ये चीज़ देखी है कि वीडियो देख कर चले जाते हो लेकिन चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन ऑन करके नहीं जाते। इस वजह से काफ़ी वैकेंसी, काफ़ी नोटिफिकेशन आपके मिस हो जाते हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं लास्ट टाइम कितनी वैकेंसी थी आरआरबी अहमदाबाद में। तो आरआर हम बात करें तो आरआरबी अहमदाबाद कौन से जोन में आता है आपको भी पता है। आरआरबी अहमदाबाद WR जोन मतलब वेस्टर्न जोन में आपका आरआरबी आता है। ठीक है, यहाँ पर देखो आरआरबी में स्टाफ नर्स की वैकेंसी अहमदाबाद की मैं बात कर रहा हूँ। यूआर कैटेगरी की 21 वैकेंसी थी, एससी की 3 थी, एसटी की 5 वैकेंसी थी, ओबीसी की 9 वैकेंसी थी और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 3 वैकेंसी थी। टोटल वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ आरआरबी अहमदाबाद में, तो आरआरबी अहमदाबाद में 41 वैकेंसी आई थी लास्ट टाइम 2019 में वैकेंसी आई थी। इसके बाद वैकेंसी 2019 के बाद अब डायरेक्ट 2024 में आने की उम्मीद है। अभी तक तो आई नहीं है लेकिन वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, तो जुलाई के फर्स्ट वीक में हालांकि फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो 2019 के बाद अभी वैकेंसी आ रही है और 2019 में जब वैकेंसी आई थी तब पदों की संख्या 1019 जैसे कुछ थी, लेकिन इस बार पदों की संख्या 678 बताई जा रही है एक शॉर्ट नोटिस के माध्यम से पता लगा है। तो इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे 41 वैकेंसी लास्ट टाइम थी, इस बार कितनी वैकेंसी तो वो आप देख लीजिए सबसे पहले। तो ये जो शॉर्ट नोटिस की कटिंग थी मैंने आप सभी के पास कंप्लीट डिटेल वीडियो तो बना ही दिया था, चैनल पर आपको मिल जाएगा वीडियो हालांकि, लेकिन मैं ये नोटिस आप सभी को यहाँ पर बता दूँ कि वैकेंसी कितनी है। तो इस बार आरआरबी जो अहमदाबाद है इसकी वैकेंसी जो वेस्टर्न जोन में आता है, यहाँ पर देखो आरआरबी अहमदाबाद और टोटल इस बार 20 वैकेंसी है, लास्ट टाइम की तुलना में आधी वैकेंसी है। यानी किसका मतलब आप सोच समझ सकते हो कि आपका थोड़ा कंपटीशन रहने वाला है। और आपको एक चीज़ का भी अंदाज़ा होना चाहिए कि आरआरबी का अगर अप्लाई करते हो ना, तो आरआरबी में ऐसा होता है कि आप सभी जोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, मात्र एक जोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप अहमदाबाद से करना चाहते हो तो अहमदाबाद के लिए अप्लाई करोगे, और गुजरात से अगर आप भोपाल से करना चाहते हो भोपाल के लिए कर पाओगे, अजमेर से करोगे तो अजमेर से कर पाओगे। किसी एक ही जोन में आप स्पेसिफिक जोन में अप्लाई कर सकते हो, सभी जोन में आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा सा इस चीज़ का भी आप अवश्य ध्यान रखें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अपन देख लेते हैं आरआरबी अहमदाबाद में 20 वैकेंसी, अगर आप इस 20 वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो, लास्ट टाइम की कट ऑफ कितनी गई थी। इस बार लास्ट टाइम की कट ऑफ ज़्यादा कट ऑफ रही क्योंकि वैकेंसी की संख्या कम है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये हैं पैरामेडिकल कैटेगरीज में, क्योंकि आपको पता है आरआरबी इस वैकेंसी को निकालता है तो पैरामेडिकल कैटेगरीज के रूप में निकालता है। तो स्टाफ नर्स की यहाँ पर वैकेंसी लास्ट टाइम 41 थी और इन 41 वैकेंसी के लिए जो डेढ़ गुना की कट ऑफ थी, डेढ़ गुना की कट ऑफ कितनी गई थी, तो डेढ़ गुना की कट ऑफ इस अनुसार गई थी। तो कैटेगरी वाइज अपन देख लेते हैं, यहाँ पर देखो आप यूआर कैटेगरी की 67.89118 गई थी, एससी कैटेगरी की 65.70164 गई थी, एसटी कैटेगरी की, एसटी की बात करें 63.46793 गई थी, ओबीसी की 67.19078 गई थी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 61.72122 ये डेढ़ गुना की कट ऑफ गई थी। क्योंकि आप सभी को पता है डेढ़ गुना की कट ऑफ इसलिए निकालते हैं अगर कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते, तो यहाँ पर आरआरबी में यानी कि रेलवे में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है, इस वजह से ये वैकेंसी अच्छी खासी यहाँ पर वैकेंसी के लिए वेटिंग लिस्ट निकालते हैं और डेढ़ गुना की लिस्ट भी ये जारी करते हैं। मैं ऑलरेडी आरआरबी में कहीं किसी एक जॉब पर सेलेक्टेड हूँ, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए। मैं आपको हर अपडेट दूंगा आरआरबी के रिगार्डिंग, जिससे आपको समझ आ सके कि
क्या क्या प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, इसके अलावा मेडिकल में किस तरीके का मेडिकल होगा, यहाँ पर C1 कैटेगरी का मेडिकल मांगा जाता है और C1 कैटेगरी का मेडिकल क्या होता है इसके ऊपर डिटेल वीडियो में लेकर आने वाला हूँ, जल्दी आपको मिल जाए। क्योंकि कई कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं मेडिकल का नाम लेते हैं सुन घबरा जाते हैं कि हमारी आँखें ख़राब है, हमारा होगा नहीं होगा, तो यहाँ पर मेडिकल का भी क्राइटेरिया है वो अपन देखेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में। तो रेलवे के बारे में संपूर्ण अपडेट मैं यहाँ पर देता रहूँगा। अब हम बात करते हैं A गुना की कट ऑफ। A गुना अहमदाबाद की जो कट ऑफ थी लास्ट टाइम 2019 में इस प्रकार रही थी। RRB जो अहमदाबाद है ये वेस्टर्न जोन में आता है क्योंकि वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत ये आने वाला है। तो स्टाफ नर्स की टोटल वैकेंसी 41 वैकेंसी थी, 41 वैकेंसी के लिए जो UR कैटेगरी की कट ऑफ गई थी 70.7336 ये कट ऑफ गई थी UR की। और जो यहाँ पर मार्क्स हैं ये आउट ऑफ 100 है, 100 में से ये नंबर हैं और 100 में से हैं जो हैं साथ ही साथ क्योंकि 5 से 7 शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम हुआ था तो 5 शिफ्ट में होने के कारण यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का एक नाम आपने सुना होगा जिससे काफ़ी कैंडिडेट्स के मार्क्स बढ़ जाते हैं घट जाते हैं, तो वो फैक्टर्स भी यहाँ पर लगता है तो कट ऑफ इसमें भी फ़र्क आता है। तो यहाँ पर अगर मान लो इस UR कैटेगरी के वाले का जिसका सिलेक्शन हुआ है इसके अगर मार्क्स अगर आप देखोगे तो 65 के अराउंड ही हैं रो मार्क्स, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद इसके बढ़ के 70 हो गए। SC कैटेगरी की अगर बात करें तो वही SC और UR की देख सकते हो बिल्कुल सेम कट ऑफ यहाँ पर गई है, पॉइंटों में यहाँ पर अंतर देखने को मिल रहा है 70.16905। इसके अलावा ST कैटेगरी की अगर बात करें 64.74516 कट ऑफ गई थी। OBC की अगर मैं बात करूँ तो OBC की कट ऑफ जो गई थी 68.21013 गई थी और EWS कट ऑफ सभी जोन में लास्ट टाइम कम गई थी, लेकिन इस बार EWS की कट ऑफ OBC के बराबर लगभग रहने वाली है क्योंकि उस टाइम पर काफ़ी कैंडिडेट्स के पास EWS सर्टिफिकेट नहीं थे, लेकिन इस बार काफ़ी कैंडिडेट्स के पास EWS सर्टिफिकेट रहने वाला है। तो EWS की जो कट ऑफ गई थी वो 63.74342 कट ऑफ गई थी और एक्स सर्विसमैन की भी कुछ सीट थी तो वहाँ पर 41.55694 कट ऑफ गई थी। तो ये कट ऑफ अपन ने देख ली, SC ST OBC UR एक्स सर्विसमैन सभी कैटेगरी की कट ऑफ मैंने देख ली, बता दिया आपको, आप एक बार दोनों को कंपेयर कर सकते हो जो यहाँ पर थी, ये तो डेढ़ गुना की ऊपर वाली तो और ये तो डेढ़ गुना की है और ये आपकी एक गुना की कट ऑफ है। तो एक गुना की कट ऑफ में आप देख सकते हो कितना अंतर आ जाता है, यहाँ पर देखो 3 मार्क्स का यहाँ पर अंतर आ रखा है, 3 नंबर का अंतर आ रखा है। OBC में SC में 5 का आ रखा है, ST में अगर बात करें तो 1 का ही आ रखा है, OBC में अगर बात करें तो OBC में भी एक का भी पूरा नहीं आ रखा सही तरीके से, एक का और EWS में यहाँ पर 2 मार्क्स का अंतर देखने को मिला है। तो इस तरीके से आप मिला सकते हो UR में 3 का, SC में 5 का और ST में लगभग 5 है और ST में यहाँ पर ST में सिर्फ 1 नंबर का अंतर आया डेढ़ गुना में और 1 गुना में, इसके अलावा OBC में भी 1 का है और EWS में यहाँ पर 2 मार्क्स का अंतर आया था। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज़ें थी जो कट ऑफ के बारे में मैंने बताया। तो एक क्वेश्चन और आता है हर वीडियो के कमेंट में कि एज लिमिट क्या होती है, तो एज लिमिट के बारे में काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ मैं, 20 से 40 साल होती है एज लिमिट। तो अगर आप 20 साल मिनिमम है, मैक्सिमम 40 साल है, तो आप RRB के लिए अप्लाई कर सकते हो, नर्सिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन एक और आता है, GNM वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत होगी नहीं होगी, बिना एक्सपीरियंस आप GNM वाले सभी अप्लाई कर सकते हो इस वैकेंसी के लिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बता देना। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर।